एक मूवी आई थी जिसमें वो रास की लीला ऐसे कुछ करके था। इस मूवी को तुम एक तरीके से कह सकते हो कि गालियों की लीला, इसमें इतनी ज्यादा गालियां दी गई हैं, मतलब एक तरीके से कान बंद करने पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बहुत हुआ सम्मान मूवी के बारे में, जिसे हॉटस्टार प्लस डिज्नी पर रिलीज किया गया है। इसे डायरेक्ट किया है आशीष आर शुक्ला ने। इसके अंदर कास्ट है राम कपूर, संजय मिश्रा, राघव जुयाल, निधि सिंह और बाकी अन्य कलाकार। कहानी की बात करते हैं, दो लड़के हैं बोनी और फूंडो, दोनों ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और लास्ट सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, और उनके कंपनी, उनके कैंपस में आने वाली कंपनी ने इनको अभी तक कोई भी प्लेसमेंट नहीं दिया, जिस कारण ये अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। भारत का इंजीनियर रोजगार को लेकर वैसे ही परेशान रहता है। जब कुछ नहीं होता तो मेरी तरह DSLR उठाकर या तो रिव्यू चैनल या फिर वो एक रिएक्शन चैनल ओपन कर लेते हैं। और जब यही सब करना तो काहे को इंजीनियरिंग की यार, ये बार बार मैं अपने आप से पूछता हूँ। खैर खैर छोड़ो छोड़ो यार, मैं भी कहाँ अपना दुखड़ा लेकर बैठ गया आपके सामने। बैक टू दी स्टोरी। अब ये दोनों लड़के किसी बाबा से मिलते हैं। ये 25 साल 7 महीने से इसी कैंपस में घूम रहा है, इसी में पढ़ा था, यहीं से पता नहीं क्या था वो, मतलब 25 साल 7 महीने से इसी कैंपस में घूम रहा है, और उसको कुछ ना कुछ सीक्रेट पता है इस कैंपस का। और उसका पूरा नाम जो बाबा है इस मूवी में, बक, आगे अपनी मर्जी से लगा लेना जो चीज आने वाली है, बक बाबा है, बक डैश बाबा, समझ गए हो ना, मैं पूरा नाम नहीं ले सकता। तो ये बाबा इन दोनों को ये कहता है कि अपने ही कैंपस का बैंक लूट लो यार, इनको ये तैयार भी कर देता है बैंक लूटने के लिए। अब यार बेरोजगार इंसान, उसको अपना फ्यूचर दिख रहा है यार, फ्यूचर में कुछ भी नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है, तो वो क्या करेगा, मरता मरता बैंक लूटने यानी चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है, और ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं। और बाबा इनको कहता है कि देखो यार, जब तुम बैंक में जाओ ना, वहां पर बैंक में 204 नंबर लॉकर है, उसको जरूर लूटना। और जब सारा तामझाम बैंक को लूटने का तैयार हो जाता है, और ये लोग बैंक में नीचे से सुरंग बनाकर, मतलब सुरंग क्या, पानी की पाइप से ऊपर आते हैं, जमीन के नीचे पाइप होती है और जमीन के ऊपर जैसे ही होता है वो बैंक का लॉकर होता है, और जैसे ही वो खोद कर ऊपर आते हैं बैंक के लॉकर में, तब इनको पता चलता है ऑलरेडी कोई बैंक लूट के जा चुका है और फंस ये लोग चुके होते हैं। वैसे पुलिस जो है वो असली चोरों को पकड़ भी लेती है। और उस 204 नंबर लॉकर रूम में क्या था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें था एक डायमंड, या मैं कहूँगी एक डायमंड बुक थी, जिसके ऊपर डायमंड छपा हुआ था, और उसके अंदर एक जानकारी थी। जानकारी ये थी कि एक बाबा है जो धर्म के नाम पर लोगों का फुद्दू काट रहा है, और उन लोगों, मतलब लोगों को नशा दे रहा है। अपनी ही कोई प्रखंड भारत नाम से एक प्रोडक्ट उसने चला रखा है, हर एक टाइप, साबुन, आटा, बिस्किट, सब प्रकार की चीज़ें उसमें मिलती है, लेकिन उनमें वो एक नशा मिलाकर उन लोगों को बेच रहा है, जिससे लोगों को लत लग गई है उस नशे की, और साथ ही साथ उन लोगों की सोचने समझने की शक्ति भी खत्म होती जा रही है। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। ये एक मूवी जो है वो कॉमेडी के थ्रू हमारे सामने हमारे सिस्टम, हमारे नेताओं की एक सच्चाई बखूबी हमारे सामने अच्छे से रखती है। और अगर इस मूवी की कॉमेडी की बात करूं ना यार, ये मूवी जब पहले ही तुम देखना शुरू करोगे, इसकी पहली लाइन तुम सुनोगे ना, वहां से हंसना स्टार्ट करोगे, और जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम हंसते रहोगे यार। इतने कमाल की, मतलब बहुत अच्छे लेवल, अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया गया, और हंसाते हंसाते हमारे सामने सीरियस मुद्दे भी हमारे सामने रखती है मूवी। कितनी अच्छे यार, यही तो आर्ट होती है यार, हंसा हंसा के हमें सीरियस भी बता दो, सीरियसनेस भी बता दो, और पता भी चले। और इसमें जो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक किया गया यार, वो तो यार कसम से यार, क्या क्या दिमाग लगाया है। हाँ, बट तुम अगर इस मूवी में कोई भी अगर ब्लास्ट अगर ऐसा देखते हो, या फिर कुछ अलग सा VFX इसके अंदर देखते हो, वो तुम्हें बहुत ज्यादा बनावटी लगेगा, तुम उसकी तरफ संतुष्ट नहीं होगे यार, इसके अंदर ये क्या लगा दी। बट वो चीजें आसानी से इग्नोर की जा सकती, इग्नोर इसलिए की जा सकती है क्योंकि यार ये जो मूवी जिस पर्पज से बनाई गई है, वो अपने पर्पज को अच्छे से हमारे सामने रख पाती है, और इसको ये निभा पाती है कि हाँ, जो इसको रखना था मुद्दा, वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर भी पाती है हमारे सामने। मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी टाइम बाद मैंने भारत में कोई कॉमेडी मूवी इतनी अच्छी देखी है, कि OTT प्लेटफॉर्म पे आई हो, बहुत टाइम बाद ऐसी देखी है, और बहुत अच्छी मूवी। और इसके अंदर जो डायलॉग हैं, जो ये बाबा संजय मिश्रा जी द्वारा बोले गए जो डायलॉग हैं, वो तो यार, मतलब ये मेरा मन तो कर रहा है कि आप लोगों को एक दो या एक कम से कम एक एटलीस्ट डायलॉग बोलकर सुनाऊं, बट वो डायलॉग जब बिना गाली के है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर गाली गलौज जो है ना, वो भर भर के, इतनी ज़्यादा इसके अंदर गाली गलौज है, बट गाली के कारण वो डायलॉग मैं आप लोगों को सुना नहीं सकता। खैर, मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 8 out of 10 स्टार। अगर किसी ने देख रखी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो जाकर देखो यार, बहुत अच्छी मूवी है। आप लोग भले ही कोई सीरियस मुद्दा सीखो ना सीखो, एटलीस्ट हंसी आएगी, बहुत अच्छी मूवी है। और जो एक इंजीनियरिंग का जो दर्द है इसमें दिखाया गया, उसको मैंने पर्सनली फील किया, समझ जाना क्यों किया। खैर, बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।